अभी मैं न्यू ईयर के केक के लिए आया हूँ, सो देखते हैं। ओके तो हमने ले लिया अपना सामान, अब हम जा रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी में रखते हैं सामान और चलते हैं अपना कैंपिंग की तरफ। तो हम सामान यहीं रख देते हैं। तो हमने हमारा सामान सब ले लिया है एंड अब केक न्यू ईयर के लिए एंड और थोड़ा शॉपिंग है जो हम लोग आगे से करेंगे। अब निकलते हैं। सो अभी हम निकल रहे हैं कैंपिंग साइट की तरफ। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। हम तो आस पास साथ में और रात साथ बात करे क्यों ना। बहुत ही सुनहरा मौसम है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैंपिंग साइट की तरफ। हम अपने कैंप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा ड्राइव रहा हमारा एंड आप पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा कैमरा में, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, चांदनी रात है और इट्स सच ए डिवाइन एक्सपीरियंस। अब मैं यहाँ से, मेरा कैंपिंग साइट थोड़ा दूर है तो यहाँ मैं अपना गाड़ी रखूँगा। यहाँ में मेरा एक गैरेज है गाड़ी रखने का, तो यहाँ मैं अपना गाड़ी रखूँगा एंड यहाँ से थोड़ा दूर पैदल निकलूँगा अपने कैंपिंग साइट की ओर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने अपना गाड़ी यहाँ पे लगा दिया है, ये मेरा गैरेज है एंड आप देख सकते हैं रात बहुत ही सुनहरा है एंड बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। एंड अब वक्त कुछ हो रहा है, देख सकते हैं आप 9:34 हो रहा है एंड यहाँ से बहुत ही चांदनी रात है आज। एंड यहाँ से आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा है। अब मैं कैंपिंग साइट में जाऊँगा थोड़ी देर बाद, वहाँ पे ऑलरेडी सब रेडी होगा एंड फिर आगे देखते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, ये थोड़ा हिली टाइप का एरिया है, यहाँ पे चढ़ते हुए भी बहुत सांसों का दिक्कत होता है एंड ये मेरा एक डॉगी है जो हमारे फार्म हाउस में रहता है एंड पहले से सब कुछ रेडी है। मेरा बॉनफायर जल रहा है, कैंप साइट है, स्पीकर है एंड अभी तक कज़न्स आए नहीं है, थोड़ी ही देर में मेरे कज़न्स भी आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे चलता है पार्टी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा कैंपिंग ऑलमोस्ट, अभी टाइम हो रहा है 11:30। वक्त अभी बाकी है और मैं इस सुनहरे मौके पे एक बेवफा जो मेरी जिंदगी में नहीं है उसके लिए एक गाना गाने वाला हूँ।
वो बेवफा है मेरे काम की नहीं, मैं उसके लिए गाना क्यों गाऊँ, वो मेरे नाम की नहीं, तो सॉरी मैं गाना गाने नहीं वाला हूँ।